दोस्तों Redmi ने लॉन्च कर दिया Redmi 7, और अगर बात करते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में तो Redmi Y3 जो है अगर उससे 32 मेगापिक्सल की सेल्फी हटा दी जाए तो ऑलमोस्ट सेम कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलती है उसमें। बस आपको 3GB 32GB और 4GB 64GB, यहाँ पे 2GB 32GB और 3GB 32GB, क्योंकि ये बजट सेगमेंट का फ़ोन है जो कि 8000 से नीचे इनको हर हाल में लॉन्च करना था। तो ऑलमोस्ट Redmi Y3 की तरह दिखने वाला फ़ोन लॉन्च हो चुका है Redmi 7, क्योंकि Redmi हमेशा किसी चीज़ को करता है तो बल्क में करता है, तो उन्होंने भी ये बॉडी डिज़ाइन जो है पकड़ लिया है डॉट नॉच का, और इसको वो अब धूम धड़ाके से काफ़ी सारे फ़ोन्स के अंदर क्वांटिटी में लॉन्च करने वाला है। शायद इसी वजह से इनके प्राइस जो है कम होते हैं, लेकिन अब मार्केट के अंदर वो हाल नहीं रहा है कि जैसे पहले Redmi जब आता था तो उसके कॉम्पिटिशन में कोई होता ही नहीं था उस रेंज के अंदर। आज की तारीख में काफ़ी सारे फ़ोन अवेलेबल हैं, मैं बात करूँगा इसकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में और साथ में बात करूँगा जो फ़ोन अलग से अवेलेबल है लगभग सेम रेंज के अंदर, जैसे कि Asus का Zenfone Max M2 या फिर अगर हाल ही में लॉन्च हुआ Realme का C2। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं हम Redmi 7 की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो Redmi 7 के अंदर आपको 6.26 इंच का HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। P2i कोटिंग इसके अंदर आपकी की गई है, ओरा डिज़ाइन जो बोलते हैं रेड ब्लू और ब्लैक तीन कलर के अंदर। ग्रेडियंट फिनिश आपको देखने को मिलेगी, फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक दोनों आपको देखने को मिलने वाला है। डॉट नॉच डिस्प्ले इसके अंदर होगा। बात कर लेते हैं अगर प्रोसेसर की, तो इसके अंदर आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 632 का प्रोसेसर आपको देखने को मिलने वाला है। इसके अंदर आपको 12 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा देखने को मिल जाएगा, और फ्रंट कैमरे की अगर बात करते हैं तो 8 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। 4000mAh की बैटरी आपको देखने को मिल जाएगी, और MIUI 10 और Android Pie मतलब Android के 9 एडिशन के साथ ये चलता है। तो काफ़ी अच्छा फ़ोन ये है 7999 रुपये के अंदर, 2GB रैम और 32GB स्टोरेज वाला। अगर बात करते हैं 3GB रैम और 32GB स्टोरेज वाला तो वो आपको 8999 रुपये का मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ी कंपटीशन के बारे में, और मैं आपको एक स्लाइड बना के पूरा डिटेल में कंपटीशन करता हूँ। एक साइड में कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ Redmi 7 की, और दूसरी तरफ में Zenfone Max M2 की, और साथ में Realme C2 की जो 7999 रुपये वाला मॉडल है। सो दोस्तों जैसा कि आप Redmi 7 की कॉन्फ़िगरेशन देख ही सकते हैं, अगर दूसरी साइड देखते हैं तो Max M2 के अंदर आपको 6.26 इंच का HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, साथ ही सेम प्रोसेसर क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 632 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको जो कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, साथ ही फ्रंट कैमरा जो है वो 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलने वाला है। 4000mAh की बैटरी आपको देखने को मिल जाएगी। अगर रैम की बात करूँ तो यहाँ पर 3GB रैम और 32GB का स्टोरेज देखने को मिलता है। ये फ़ोन करंटली अवेलेबल है 8499 रुपये का, तो डेफिनेटली अगर आप 500 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हैं तो आपको जो कॉन्फ़िगरेशन 8999 रुपये के अंदर मिलने वाली है वो आपको 500 रुपये कम में मिल जाएगी 3GB रैम और 32GB स्टोरेज के साथ, साथ ही कैमरा क्वालिटी थोड़ी सी और अच्छी आपको मिलने वाली है। तो अगर आप 29 अप्रैल 12 बजे तक का वेट नहीं करना चाहते, क्योंकि 29 अप्रैल 12 बजे Amazon पे सेल लगने वाली है Redmi 7 की, तो आप इस फ़ोन के लिए भी जा सकते हैं। बात कर लेते हैं दूसरे फ़ोन के बारे में, दूसरे फ़ोन से भी कंपैरिजन कर लेते हैं, वो है Realme का C2 जो 7999 रुपये के अंदर आपको मिल जाएगा। वैसे इसमें दो मॉडल हैं, 5999 रुपये वाला, लेकिन कंपैरिजन क्योंकि फेयर होना चाहिए इसलिए मैं 7999 रुपये वाले मॉडल के साथ ही कंपेयर कर रहा हूँ। तो इसके अंदर आपको Helio का P22 का प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि 2GHz की फ्रिक्वेंसी पर चलता है। 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी बना हुआ प्रोसेसर है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको दे देगा, और ये AI के आर्किटेक्चर पे तो आपको AI का सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर आपको 6.1 इंचेस का HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, ड्यू ड्रॉप नॉच आपको देखने को मिलती है, डायमंड कट काफ़ी अच्छा, मतलब इसका बैक में अगर देखें तो डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। Helio का P22 का प्रोसेसर है, 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का आपको रियर कैमरा देखने को मिलता है, और 5 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। 4000mAh की बैटरी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है, साथ ही 3GB रैम और 32GB का स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ 8000 यानी कि 7999 रुपये वाले मॉडल के बारे में। एक जो डिसएडवांटेज है इसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को नहीं मिलता है, जो कि आपको बाकी दोनों मॉडल्स के अंदर देखने को मिल जाएगा Redmi 7 में और Max M2 के अंदर। तो फिंगरप्रिंट स्कैनर इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा, बाकी कलर OS 6 और Android 9 Pie का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। सो ये अब फोन जो है आ चुका है मार्केट के अंदर। तो ये तीन फोन है जो 8000 की रेंज में आप जा सकते हैं, और तीनों फोनों का कंपैरिजन मैंने आपको करके दिखा दिया है। अगर डिटेल में आपको देखना है तो रिवाइंड करके मतलब बैक जाके आप देख सकते हैं पूरा का पूरा कि कौन सा फोन जो है आपको पसंद आ सकता है, किस फोन के लिए आप जा सकते हैं। बाकी तीनों ही फोन काफी अच्छे हैं। उम्मीद करता हूँ कंपैरिजन दोस्तों आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरीके की वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और हाँ, अब तो इन्फिनिक्स का स्मार्ट 3+ भी फोन आ गया है 6999 रुपये के अंदर, जिसके अंदर आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिल जाता है सिर्फ 6999 रुपये के अंदर। काफी अच्छा ये फोन है, 3GB रैम और 32GB स्टोरेज 7000 से नीचे, डेफिनेटली काफ़ी अच्छा फोन है। ये Helio के A22 के प्रोसेसर के ऊपर चलता है जो कि 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी बना हुआ है, ये भी 2GHz की फ्रिक्वेंसी पे चलता है, तो और ये ग्लास बैक के अंदर देखने को मिलता है। तो काफ़ी अच्छा ये फ़ोन है 7000 से भी नीचे की रेंज के अंदर। तो अगर
ऐसी रेंज है तो उसके लिए भी जा सकते हैं। इस फोन के बारे में मैंने जो कल वीडियो आया था जो Realme C2 के साथ जो कंपैरिजन कर रहा था उसमें डिटेल में बताया, तो उस वीडियो को भी आप जाके देख सकते हैं, मैं लिंक ऊपर दे दूंगा। और ये एक बोनस फोन था जो मैंने आपको बता दिया।